शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी लकी रहा है। बॉलीवुड के किंग खान की साल की शुरुआत में रिलीज हुई पठान ब्लॉकबस्टर रही थी, वहीं इसके बाद साल के मिड में जवान रिलीज हुई और शाहरुख की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं साल 2023 अब जब खत्म होने जा रहा है तो बॉलीवुड के बादशाह एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म जंकी से धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और टीजर ने पहले ही जंकी को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाई हुई है और अब ऐसे में किंग खान की इस फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शाहरुख खान की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म कैसी है। मूवी हब नाम के एक अकाउंट ने प्लेटफॉर्म एक्स पर जंकी का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया है। रिव्यू में लिखा है, इनसाइडर रिपोर्ट्स 5 स्टार जंकी। राजकुमार हिरानी की स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस है। जिस तरह से राज सर ने इस फिल्म को बनाया है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में अपनी बेस्ट एक्टिंग की है और एक अभिनेता के रूप में खुद का बेहतर प्रदर्शन किया है। पहला भाग जंकी से लंदन की जर्नी के बारे में है। यह आपको कैरेक्टर और कहानी, कॉमेडी, रोमांस, प्यार और दोस्ती के साथ बहुत गहराई से जोड़ता है। सेकंड पार्ट मेन फिल्म है जहां यह आपको गहराई से रुला देगी। इसे किसी भी प्रमोशनल वीडियो में एक्सपोज नहीं किया गया है। यह भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक होगी। वहीं जब लोगों ने जंकी के इस रिव्यू की ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछा तो पोर्टल ने जवाब दिया, भारत में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 2 दिन पहले स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। ये रिपोर्ट बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक की है। बता दे कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म जंकी में शाहरुख खान के अलावा कई शानदार कलाकारों की टोली है। इसमें तापसी पन्नू, विकी कौशल और एक्टर बोमन ईरानी भी शामिल है। ये प्रोडक्शन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और जियो स्टूडियोज के प्रतिष्ठित बैनर के तहत बनाई गई है। जंकी दुनिया भर में 21 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। नेशन स्पीक ब्यूरो रिपोर्ट। शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी लकी रहा है। बॉलीवुड के किंग खान की साल की शुरुआत में रिलीज हुई पठान ब्लॉकबस्टर रही थी, वहीं इसके बाद साल के मिड में जवान रिलीज हुई और शाहरुख की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं साल 2023 अब जब खत्म होने जा रहा है तो बॉलीवुड के बादशाह एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म जंकी से धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और टीजर ने पहले ही जंकी को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाई हुई है और अब ऐसे में किंग खान की इस फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शाहरुख खान की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म कैसी है। मूवी हब नाम के एक अकाउंट ने प्लेटफॉर्म एक्स पर जंकी का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया है। रिव्यू में लिखा है, इनसाइडर रिपोर्ट्स 5 स्टार जंकी। राजकुमार हिरानी की स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस है। जिस तरह से राज सर ने इस फिल्म को बनाया है वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में अपनी बेस्ट एक्टिंग की है और एक अभिनेता के रूप में खुद का बेहतर प्रदर्शन किया है। पहला भाग जंकी से लंदन की जर्नी के बारे में है। यह आपको कैरेक्टर और कहानी, कॉमेडी, रोमांस, प्यार और दोस्ती के साथ बहुत गहराई से जोड़ता है। सेकंड पार्ट मेन फिल्म है जहां यह आपको गहराई से रुला देगी। इसे किसी भी प्रमोशनल वीडियो में एक्सपोज नहीं किया गया है। यह भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक होगी। वहीं जब लोगों ने जंकी के इस रिव्यू की ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछा तो पोर्टल ने जवाब दिया, भारत में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 2 दिन पहले स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। ये रिपोर्ट बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक की है। बता दे कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म जंकी में शाहरुख खान के अलावा कई शानदार कलाकारों की टोली है। इसमें तापसी पन्नू, विकी कौशल और एक्टर बोमन ईरानी भी शामिल है। ये प्रोडक्शन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और जियो स्टूडियोज के प्रतिष्ठित बैनर के तहत बनाई गई है। जंकी दुनिया भर में 21 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। नेशन स्पीक ब्यूरो रिपोर्ट।